दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कृषि रसायन कंपनी का एक्का इंसेक्टिसाइड के बारे में। एक्चुअली एक्का इंसेक्टिसाइड क्या होता है और उसमें क्या केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है और उसके अलावा इसमें क्या मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है और इसको कौन कौन सी फसल पर कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करता है और इसका डोज कितना है, क्या हम इसके साथ किसी दूसरे अन्य दवा को मिला करके एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं और इसका कितना प्राइस है, पूरे डिटेल्स में आज हम कृषि रसायन कंपनी का एक्का इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है और अगर इस चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्का इंसेक्टिसाइड क्या है। एक्का इंसेक्टिसाइड एक सिस्टमेटिक एक्शन के ऊपर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड है। अब सिस्टमेटिक एक्शन के ऊपर काम करने का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक्का इंसेक्टिसाइड को फसल पर स्प्रे करते हैं तो वो पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है और वो अंदर से काम करता है, यानी कोई भी कीट अगर पत्ते रस चूसता है या फिर कोई भी मतलब तना का रस चूसता है तो वो अंदर ही अंदर काम करता है और पूरा ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से सिस्टमेटिक एक्शन के ऊपर काम करता है एक्का इंसेक्टिसाइड और ये न्यूनिकोटिनेट ग्रुप का एक इंसेक्टिसाइड है जो कि एक काफ़ी अच्छा इंसेक्टिसाइड है और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि इतना फेमस होने के कारण क्या है। तो इसमें आप लोगों को एसिटामाप्रिड 20% एसपी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। अब एसपी फॉर्मुलेशन के मतलब जो होता है वो होता है सोल्यूबल पाउडर, जो कि पाउडर फॉर्मुलेशन में होता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्का इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी एक्का को हम लोग जैसे ही किसी फसल में छिड़काव करते हैं तो वो कीट के मारने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो एसिटामाप्रिड 20% होने के कारण इसको छिड़काव के बाद पत्ते के अंदर ये ट्रांसलिमिनर एक्शन के द्वारा काम करता है, जिससे जब भी कोई कीट पत्ते को खाता है तो वो उसके अंदर छिड़काव किया गया कीटनाशक कीट के पेट में चला जाता है, जिससे वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसको मार देता है। तो इस तरीके से एसिटामाप्रिड काम करता है, यानी एक्का इस तरीके से कीटों को मारता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं एक्का इंसेक्टिसाइड को फसल पर छिड़काव करने के बाद ये कौन कौन सी कीटों के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों इसको छिड़काव करने के बाद सकिंग पेस्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सकिंग पेस्ट यानी जो रस चूसक कीट होता है, लेकिन रस चूसक कीट तो बहुत सारे होता है, क्या सभी के ऊपर काम करता है? नहीं, ये एक्चुअली एफिड्स, जेसिड्स और थ्रिप्स के साथ साथ व्हाइट फ्लाई के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसको कौन कौन सी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों को कोई भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मिर्चा, टमाटर, बैंगन, भिंडी, कोई भी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक्का इंसेक्टिसाइड का डोज के बारे में, यानी एक्का इंसेक्टिसाइड को हम लोग कितने मात्रा में छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोगों को 16 लीटर के पंप में 16 ग्राम एक्का को लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं 16 लीटर का पंप लिए हैं और यहाँ पर हम 16 ग्राम एक्का इंसेक्टिसाइड को डाल रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से घोल बनाकर हम यहाँ पर बैंगन के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं और व्हाइट फ्लाई के ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। अब बात कर लेते हैं क्या हम इसके साथ किसी दूसरे अन्य दवा को मिला करके एक साथ में छिड़काव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके साथ आप लोग कोई भी कीटनाशक हो, कोई भी फंगिसाइड हो या फिर टोनिक हो, आसानी से आप लोग मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसका पैकिंग और प्राइस के ऊपर। तो मार्केट में आप लोगों को 20 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम के साथ साथ 500 ग्राम और 1 केजी का पैकेट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 20 ग्राम का जो प्राइस होता है वो आप लोगों को 40 रुपये के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन रेट के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें, क्योंकि रेट हर स्टेट पर, हर मार्केट में अलग अलग हो सकता है, इसीलिए रेट के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान दें। तो ये था दोस्तों कृषि रसायन कंपनी का एक्का इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।